नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जुलाई में बारिश या फिर गर्मी किस तरह की स्थिति बनी रहेगी इसके बारे में। बिहार में मानसून इन दिनों सक्रिय है, लेकिन प्रदेश में हो रही बारिश के बीच में एक खबर सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जुलाई में बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि दक्षिण और पूर्वी बिहार में पारा सामान्य से अधिक और शेष बिहार में पारा सामान्य बने रहने की संभावना है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि तमिलनाडु के दक्षिण तट पर बने कन्याकुमारी के पास हिंद महासागर के दो हिस्सों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग समुद्री ध्रुव बन रहे हैं। मौसम में हुए इस बदलाव के बाद से यह कहा जा रहा है कि मानसून कमजोर हो सकता है। वहीं लानीना का असर जो है समुद्र का तापमान पे कुछ कम हो गया है, जिसकी वजह से मौसमी सिस्टम कमजोर हो रहा है। लानीना का असर पूरे मानसून सीजन पर पड़ने वाला है। लालनीना की स्थिति को देखकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है। आपको बता दें कि लालनीना के तापमान में बदलाव होने से इसका सीधा असर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर पर साफ साफ देखने को मिलता है। इसके अलावा पश्चिमी और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव देखा जाता है। शुक्रवार को जुलाई से के पहले दिन पूरे बिहार में औसतन 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बिहार में अभी तक 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 1% अधिक है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में 4 दिन तक बारिश होगी। शनिवार को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह कहा गया है कि 11 जिलों में जोरदार बारिश होने की पूरी संभावना है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 5 जुलाई तक मौसम की स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। विभाग ने बारिश की स्थिति के दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। पिछले दिनों वज्रपात से कई लोगों की जान चली गई थी। पिछले दिनों हुई बारिश का असर हम बिहार की नदियों पर देखें तो उत्तर पूर्व बिहार की कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि इस दौरान किशनगंज और महानंदा नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये दोनों नदियाँ उत्तर पूर्व के ज़्यादातर जिलों में खतरे के निशान के आसपास पहुँच गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इन दिनों प्रदेश में पूर्वी हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही जा रही है। विभाग ने किसानों से कहा है कि इस दौरान आप धान के बिजले को तैयार कर लें। बता दें कि धान की फसल को सबसे ज़्यादा समय तक पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में बरसात के महीने में यह फसल सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी उपज के लिए यह समय लाभदायक होता है। खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ बारिश नहीं हुई तो धान की फसल अच्छी नहीं हुई। इस पे इसका साफ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसाती नदियों के कारण दक्षिण बिहार के ज़्यादातर जिलों में पानी पहुँचाया जाता है। ऐसे में विभाग ने किसानों से कहा है कि बारिश से होने के साथ साथ आप जो है धान की रोपाई शुरू कर दें। हालांकि जुलाई में कम बारिश को लेकर जो अपडेट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लानीना जो है वहां पे तापमान में कमी देखने को मिली है, और ऐसी स्थिति में जो है बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जुलाई के महीने में बारिश कम होने की बात जो है मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। हालांकि लालनीना की स्थिति अच्छी थी, इसी के कारण जो है प्रदेश में मानसून की भी स्थिति हमने देखी। सक्रिय तौर पे हमने बारिश देखा और प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो भी रही है और कई नदियाँ जो है खतरे के निशान से ऊपर हैं। लेकिन लालनीना की स्थिति में बदलाव को लेकर जो है अब मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अपडेट दिया, जिसमें कहा है कि जुलाई में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।